आज का हमारा टॉपिक है इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टॉपिक इज इंफ्रा रेड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी अच्छा बेटा इंफ्रा रेड तो आपको समझ आ रही होगी कि ये रेडिएशंस हैं आपको पता है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशन जो है उसमें जो हाईली एनर्जेटिक होती हैं अल्ट्रा फिर होती हैं विजिबल लाइट और जो लीस्ट एनर्जेटिक है दैट इज द इंफ्रा तो ये इंफ्रा रेडिएशन की बात हो रही है तो इंफ्रा रेड तो रेडिएशन है और स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं कि इंटरेक्शन ऑफ लाइट इंट्रैक्शन ऑफ लाइट विद मैटर अच्छा बेटा टॉपिक है और थे थे ही नहीं अब आप, आप देखेंगे कोई थे नहीं है बस ये मोटी मोटी दो तीन चीजें जो आपने याद में जहन में रखनी है तो बेटा स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है कि इंट्रेक्शन ऑफ लाइट विद मैटर और मैटर से मुराद हमारे यहाँ पर केमिकल होंगे कि आप जब केमिकल का अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इंटरेक्शन करवाएंगे इंफ्रा रेडिएशन के साथ तो उसको बोलते हैं इंफ्रा स्पेक्ट्रोस्कोपी अब आपको ही मैं बताऊं कि ये टेक्निक यूज की क्यों की जाती है दिस टेक्निक इज़ यूज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बोक्सलिक है एमाइन है एलडीहाइड है कीटोन है अल्कोहल है इन फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कैसे किया जाएगा ये इंफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज दताती है ये जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी स्पेक्ट्रोस्कोप यही आपको बताएगा कि आपके मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है फॉर बेटा ना एक केमिकल एक्सट्रैक्ट किया है है फ्रॉम प्लांट या आपने कोई नया कंपाउंड बनाया लेबोरेटरी के अंदर और आपने जब वो नया कंपाउंड बनाया लेबोरेटरी के अंदर आप कंफर्म करना चाहते हैं कि इसमें आया कीटोन इसमें है या नहीं या इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है या नहीं तो उस फंक्शनल ग्रुप की कंफर्मेशन के लिए आप ये टेक्निक यूज करते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी ठीक है तो इस टेक्निक को यूज क्यों किया जाता है टू आइडेंटिफाई ग्रुप इन ऑर्गेनिक कंपाउंड और स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि इंट्रेक्शन in, in, और यहाँ पर आप कौन सी वेव्स को यूज करेंगे इंफ्रा रेड रेडिएशन को आप यूज करेंगे ठीक है ना इंफ्रा रेड रेडिएशन अच्छा बेटा अब हम आगे चलते हैं कि इसका ग्राफ कैसे होता है और आपको बेक्सिज एक चीज बताता हूं ये मुझे बताए बेटा ये आपके पास ना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको। ठीक है जी प्रोपेन टू ऑल है प्रोपेन टू ऑल आप बेटा जब यहाँ से लाइट फॉल करवाएंगे सपोज आप लाइट फॉल करवाते हैं यहां से ये भी मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ ठीक है अभी इंफ्रारेड रेड स्पेक्ट्रोस को भी स्टार्ट नहीं हुआ आपको सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ समझाने की ये ये तीन लाइट आपने पास करवाई ग्रीन लाइट ब्लू लाइट ब्लू और ये एक आपको ब्लैक नजर आ रही है रेडिएशन है थ्री वेव्स आप पास करवा रहे हैं इस कंपाउंड के अंदर से होता ही है बेटा मैं आपको इस तरह बताता हूं कि दो जो रेडिएशन हैं ये आपको बाहर यहां पर पास होती हुई दिख रही है ठीक है इसको कहते हैं ट्रांसमिट जो लाइट पास होगी कहते हैं ये ये ट्रांसमिट हुई है, आपके बेटा लाइट जो है ना यहां पर ट्रांसमिटेंस ठीक है और कौन सी लाइट एब्जॉर्ब हुई है बेटा कौन सी रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है ये जो ब्राउन कलर की आपको वेव नजर आ रही थी यह एब्जॉर्ब होगी सॉल्यूशन के अंदर क्योंकि ये आगे, आगे आपको नजर नहीं आ रही ना बेटा देखिए मैंने अभी आपको ये समझा रहा हूँ कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है या इनफ्रा रेड स्पेक्ट्रोस्कोपी आप बेटा कुछ रेडिएशन फॉल करवाएंगे किसके ऊपर अपने कंपाउंड के ऊपर तो जो आपका कंपाउंड होगा वो लाइट में से कुछ वेवलेंथ को कुछ फ्रीक्वेंसीज को एब्जॉर्ब कर लेगा और कुछ वेव को अपने अंदर से पास होने देगा कौन सी लाइट पास हो जाती है उसको बोलते हैं कि ये ट्रांसमिट होगी भाई और ये एब्जॉर्ब होगी ये लाइट जो है ना बेटा एब्जॉर्ब होगी इसलिए इस ये आगे डिटेक्टर तक नहीं पहुंची आगे डिटेक्टर लगा हुआ है जो लाइट को डिटेक्ट करेगा कि कौन कौन सी रेडिएशन पहुंची है तो बेटा आपने ये तीन रेडिएशन ए बी सी पास करवाई तो ए और बी तो पहुंच गई सी नहीं पहुंची तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये हुआ बेटा कि जो ये आपका कंपाउंड है ना ये जो आपका कंपाउंड है इसने सी रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लिया है ठीक है इस कंपाउंड ने जो सी रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब कर लिया है ए और बी को एब्जॉर्ब नहीं किया तो वो ट्रांसमिट होगी ठीक है अच्छा अब बेटा देखें अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये रेडिएशन जो सी है उसने क्या किया होगा ये जो लाइट हुई है ये लाइट एब्सॉर्ब होने के बाद क्या करेगी अंदर मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगी तो बेटा ये जो लाइट एब्जॉर्ब होती है ना इट कॉजिस दी एब्सॉर्ब लाइट जो है या एब्जॉर्ब वेवलेंथ जो है बॉन्ड स्ट्रेचिंग ये बेटा बॉन्ड स्ट्रेच करती है ये जो लाइट होती है वो बॉन्ड को स्ट्रेच करती है फॉर एग्जाम्पल कैसे ये बेटा एक बॉन्ड बना हुआ था ये बॉन्ड बना हुआ है दो आइटम्स के दरमियान राइट आप इसको कह ले सपोज ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है राइट ये बॉन्ड बना हुआ है इनके अच्छा जैसे लाइट एब्जॉर्ब होगी ना बेटा लाइट अब्जॉर्ब होने के बाद देखें ये सिचुएशन आ जाएगी क्योंकि बॉन्ड्स के बारे में याद रखें कि बॉन्ड्स आर जस्ट लाइक अ स्प्रिंग तरह स्प्रिंग नहीं होता उसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं बेटा तो ये क्या हुआ लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद क्या हुआ है देखें आफ्टर दब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट आफ्टर दब्जॉर्बेशन ऑफ लाइट

दफा जो आपकी बेटा लाइट है वो बॉन्ड्स को बेंड करवाती है देखिए ये वाटर वाटर है ना सपोज स्ट्रेचिंग तो ऐसे होगी ना अगर मैं स्ट्रेचिंग की बात करूंगा तो बेटा ये बॉन्ड ऐसे ऐसे स्ट्रेच होगा ठीक है और मुझे एक बात बताया क्या स्ट्रेचिंग से एं, एंगल पर फर्क पड़ेगा बॉन्ड एंगल पर फर्क पड़ेगा बॉन्ड के स्ट्रेच होने से नहीं एंगल अगर यहां पर वन था तो बॉन्ड स्ट्रेच होने के बाद भी उतना ही रहेगा ठीक है बॉन्ड स्ट्रेच होने के बाद भी आपका एंगल उतना ही रहेगा बिल्कुल इसी तरीके से है बेटा जिस तरीके से आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो आपको क्या एनर्जी देनी पड़ती है या नहीं देनी पड़ती बिल्कुल देनी पड़ती है इसी तरीके से आप जब कोई लाइट यहां पर फॉल करवाएंगे तो लाइट दिस बेसिकली एनर्जी तो वो एनर्जी है जब लाइट बेटा हिट करेगी ना इस बॉन्ड uh, के ऊपर अच्छा ये याद रखें हर बॉन्ड को स्ट्रेच करवाने के लिए एक स्पेसिफिक किस्म की वेवलेंथ चाहिए होती है तो एक स्पेसिफिक एनर्जी जब आप बेटा देंगे OH के बॉन्ड 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 को तो ये OH का स्ट्रेच करेगा लेंथ बढ़ जाएगी मतलब स्ट्रेचिंग का मतलब है बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी और जैसे ही वो लाइट देना एनर्जी देना बंद करेंगे बॉन्ड दोबारा अपनी असली हालत में आ जाएगा तो ये होती है बॉन्ड स्ट्रेचिंग लेकिन लाजमी नहीं है कि हमेशा बॉन्ड स्ट्रेच ही करे जब आप उसको एनर्जी दें

कोशिश करता हूं एक एनिमेशन भी बेटा दिखा दूं एक एनिमेशन भी आपको मैं दिखाता हूँ वेट जिससे आपको स्ट्रेचिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा और बेंडिंग का एक मिनट मैं सिर्फ इसको गूगल पे चेक कर रहा हूं अगर मुझे कहीं स्ट्रेचिंग मिल जाती है आपको मैं दिखाता हूं कि बॉन्ड स्ट्रेच कैसे करता है जरा चेक करें ये स्क्रीन पर सिर्फ आप इन दो आइटम्स को देखें जो एक व्हाइट और एक आपको ब्लू कलर का नजर आ रहा है बस और समझा इनके दरमियान बॉन्ड बना हुआ है बॉन्ड बॉन्ड क्या ये लेंथ बढ़ रही है कम हो रही है तो ये बॉन्ड स्ट्रेचिंग हो रही है भाई दिस इज बॉन्ड 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 स्ट्रेचिंग कि जो है 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 वो स्ट्रेच हो, हो रहा है, उसके से लेंथ बढ़ रही है. तो ये बॉन्ड स्ट्रेच क्यों होता है जब आप बेटा उसको एनर्जी देते हैं इन फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन या किसी भी फॉर्म में दें तो बॉन्ड स्ट्रेचिंग बेटा हो जाती है इसी तरीके से बॉन्ड बेंडिंग बेटा बॉन्ड बेंडिंग ऐसे होती है कि हाइड्रोजन ऐसे मूव करे कई बेटा फॉरवर्ड और कई बैकवर्ड अगर हाइड्रोजन ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में तो इसको कहते हैं बॉन्ड 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 बेंडिंग 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 से न, से ना क्या होगा इस एंगल पर फर्क पड़ता है ठीक है तो अभी तक आपको दो चीजें मैंने समझाई हैं वो ये कि जब भी आप किसी मॉलिक्यूल को एनर्जी देते हैं इन फॉर्म ऑफ रेडियो वेव्स या इन फॉर्म ऑफ इंफ्रा रेडिएशन तो क्या होगा दो पॉसिबिलिटीज होंगी या तो बॉन्ड स्ट्रेच करेगा एनर्जी एब्जॉर्ब करके या बॉन्ड बेंड करेगा एनर्जी एब्जॉर्ब करके मुझे बताएं ये दो बातें बेटा क्लियर हैं ताकि मैं आगे चलूं फिर बस आगे इसकी थ्योरी यही है बेटा बस और थ्योरी नहीं है इसमें अब मैंने आपको सिर्फ ग्राफ समझाना है एक मिनट बेटा बॉन्ड बेंडिंग की मैं आपको बता दूं अच्छा बेटा देखिए दर जो मैं आपको कहूंगा आपने सिर्फ वो देखना है क्योंकि बाकी आपके सिलेबस में नहीं है आप बेटा ये जो फर्स्ट रो में सेकंड है उसको देखिएगा फर्स्ट रो में सेकंड वाला देखें जो जो मिडल में आ रहा है क्या अच्छा चले आप फर्स्ट टू देख लें क्या बॉन्ड स्ट्रेच होते हुए दिख रहे हैं आपको या नहीं दिख फर्स रहे फर्स्ट टू देखिएगा सिर्फ दिख रहे हैं ना बेटा तो ये स्ट्रेचिंग है ये क्या है स्ट्रेचिंग है ठीक है इसको फिर देखिएगा और बेटा बेटा अब आप आप नीचे वाले जितने देख लें, ये बेंडिंग है। देख ले, या सीजरिंग देख ले, या ट्विस्टिंग देख ले, ये बेंड ये 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 है 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 या या हो हो रहा रहा ना मैं फिर से चलाता हूं। तो ये आपको concept अभी फिलहाल देना है कि जब भी आप किसी मॉलिक्यूल को एनर्जी देते हैं तो उसमें या तो बॉन्ड स्ट्रेच होगा या बॉन्ड क्या होता है बेंड होता है रॉकिंग इज बेंडिंग स्ट्रेचिंग आपके सामने है राइट बेटा अब आज दोबारा टॉपिक के ऊपर अच्छा अब बेटा मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो इंफ्रा स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका ग्राफ कैसे आपको दिखेगा इसका ग्राफ कैसे होता है जरा देखिएगा ये बेटा देखें ये आपके सामने स्क्रीन पर आपको एक ग्राफ नजर आ रहा है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं और इस स्पेक्ट्रम में इस स्पेक्ट्रम में जरा वाई एक्सिस पर देखें क्या लिखा हुआ है ट्रांसमिटेंस वाई एक्सिस पर क्या लिखा हुआ है ट्रांसमिटेंस और एक्स एक्सिस पर बेटा क्या है वेव नंबर वेव नंबर है ठीक है और उसकी यूनिट क्या है पर सेंटीमीटर उसने नीचे लिखा हुआ है बी वेयर चेंज ऑफ स्केल कि जनरली तो होता यह है जो स्केल है वो लेफ्ट टू राइट बढ़ता है लेकिन यहां पर स्केल राइट टू लेफ्ट बढ़ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है आपको जानने की जरूरत नहीं है आपको स्केल बना बनाया मिलेगा आपको कोई यहां पर प्लॉटिंग नहीं करनी होगी लेकिन ये बात जेन में रखिएगा कि 500 फिर 1000 फिर 1500 फिर 2000 फिर 3000 फिर 4000 फोर जो वेव नंबर है ये आपका लेफ्ट राइट टू लेफ्ट भर रहा है और परसेंटेज ट्रांसमिटेंस परसेंटेज ट्रांसमिटेंस बेटा वाई एक्सिस पर है राइट right? अब मैं आपको बताता हूं कि देखें यहां पर उसने वेव नंबर लिया हुआ है 500 1000 1500 2000 2500 थ्री थाउजेंड थर्टी फाइव थाउजेंड और ये फोर थाउजेंड पर सेंटीमीटर और यहां पर बेटा है परसेंटेज ट्रांसमिटेंस ठीक है अच्छा देखें आपको जो इस तरह के वहां पर लाइंस नजर आएंगे ऐसे करके ना ऐसे ऐसे अब बेटा ये जो नीचे की तरफ लाइन आ रही है ना ये जो लाइन नीचे की तरफ आ रही है ये इसको बोलते हैं ट्रफ क्या बोलते हैं इसको ट्रफ और ये बेसिकली क्या बता रहे हैं ये आपको इंफ्रा रेडिएशन की एब्जॉर्बेंस बता रहे हैं कैसे जरा देखिएगा कि थ्री थ्री थाउजेंड वेव नंबर की जो लाइट है थ्री थाउजेंड वेव नंबर की जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो रही है फिर आपको बेटा एक ट्रफ यहां नजर आ रही है ये ट्रफ आपको क्या बता रहा है कि यहाँ पर तकरीबन 1700 की जो 1700 वेव नंबर की जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो रही है तो ये जो बेटा आपको ट्रफ नजर आ रहे हैं ये ट्रफ आपको एब्जॉर्बेंस बता रहे हैं कि के, के लाइट जो है ना एब्जॉर्ब हो रही है अब मैं आपको एक यहाँ पर डायग्राम बेटा दिखाता हूँ अभी आप परेशान मत होइएगा कि ये क्या चीज हम पढ़ रहे हैं ये बड़ा आसान है अभी आप देखिएगा बिल्कुल सिंपल सी चीज है ये देखिए बेटा ये आपके सामने एक और मैंने स्पेक्ट्रम निकाला है ऊपर पहले मॉलिक्यूल को जरा पढ़िएगा बेटा मॉलिक्यूल है सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू ओच एथनोल है ना इस एथेनॉल में जो ओ OH एच है ना बेटा ओ OH, एच वो कह रहा है एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यू टू दी

थर्टी वन हंड्रेड तकरीबन थर्टी थ्री हंड्रेड पर बेटा आप अगर एनर्जी देंगे थर्टी थ्री हंड्रेड पर अगर आप एनर्जी देंगे तो क्या होगा फिर ओ OH एच का बॉन्ड स्ट्रेच होगा इसी तरीके से बेटा नीचे देखें थ्री थाउजेंड से पीछे थ्री थाउजेंड से बिल्कुल पीछे जो एरो है जहां उसने लिखा है एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यू टू दी सी एच बॉन्ड स्ट्रेचिंग के कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड स्ट्रेच हो रहा है उसको स्ट्रेच करवाने के लिए आपको कितनी वेव नंबर वाली रेडिएशन चाहिए ट्वेंटी नाइन हंड्रेड पर सेंटीमीटर अच्छा इसको मैं पहले आपको यूनिट समझा दूं कि इसका क्या मतलब है पर सेंटीमीटर का सपोज करते हैं बेटा सपोज करते हैं ये एक सेंटीमीटर राइट ये एक बड़ा सेंटीमीटर इसमें ये वेव्स आ रही हैं कितनी वेव्स आ रही हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो इसको मैं कहूंगा सिक्स वेव्स पर सेंटीमीटर कि एक सेंटीमीटर में कितनी वेव्स आ रही है सिक्स आ रही है इसी तरीके से अभी मैंने जो आपको स्पेक्ट्रम दिखाया उसमें ओएच एच बॉन्ड को स्ट्रेच करने के लिए 3300 पर सेंटीमीटर वेव चाहिए एक सेंटीमीटर में अगर 3300 वेव्स आ रही हैं तो वो लाइट आप फॉल करेंगे तो ओवेच का बॉन्ड स्ट्रेच हो जाएगा ठीक है अब मैं आपको रियल बेटा इनकी वो दिखाता हूं पहले आप देख ले डाटा बुकलेट आपको कोई चीज इसमें याद नहीं करनी ठीक है ये जरा बेटा इसको देखें पहले डाटा बुकलेट को सबसे आसान वाला पहले करते हैं कार्बोनाइल बेटा कार्बोनाइल पर आए ये दिख रहा है सबको कार्बोनाइल इस सी डबल बॉन्ड ओ को ना बेटा सी डबल बॉन्ड ओ को स्ट्रेच करवाने के लिए मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ाने के लिए ऐसे करते इसको स्ट्रेचिंग करवाने के लिए आपको ये तो बॉन्ड हो गया ना सी डबल बॉन्ड इज द बॉन्ड अब ये फंक्शनल ग्रुप कहाँ-कहाँ प्रेजेंट होता है सी डबल बॉन्ड हो एमाइड में होता है सी डबल बॉन्ड हो कीटोन में होता है सी डबल बॉन्ड हो एल्डिहाइड में होता है और सी डबल बॉन्ड हो एस्टर में होता है इन सब में होता है ना बेटा ये सी डबल बॉन्ड तो तो इस सी डबल बॉन्ड ओ को स्ट्रेच करवाने के लिए एब्जॉर्प्शन रेंज ये देखिए बेटा किस वेव नंबर कितना वेव नंबर आपको चाहिए एक सेंटीमीटर में कितनी वेव्स होनी चाहिए जो इस c डबल बॉन्ड o को स्ट्रेच करवा सके तो वो कह रहा है अगर ये एमाइड में होगा ना अगर ये किस में होगा एमाइड में एमाइड होता है बेटा ये ch3 c डबल बॉन्ड o nh अगर c डबल बॉन्ड o एमाइड के अंदर है तो आपको बेटा 1640 से 1690 वेव नंबर चाहिए पर सेंटीमीटर फिर क्या होगा ये स्ट्रेच हो जाएगा सी डबल बॉन्ड और इसकी अपीयरेंस ऑफ पीक स्ट्रॉन्ग पीक आएगी बेटा जितनी 50% से ज्यादा पीक अगर नीचे आ गया 50% से ज्यादा अब्सॉर्बेंस शो हो रही है जितनी पीक नीचे की तरफ आती है दैट इज दी अब्सॉर्बेंस और अगर 50% से नीचे आ रही है तो दैट वुड बी स्ट्रॉन्गर पीक तो बेटा आप देखें इधर आपके पास जो कार्बन आइल है सी डबल बॉन्ड ओ उसकी तीन पी आपने याद रखनी है याद नहीं रखनी ये डेटा बुकलेट में आपके पास होगा आपने सिर्फ यहाँ से रीड करना है कि एमाइड जो है उसकी पीक वो एब्जॉर्ब करता है 1640 से 1690 कीटोन और एल जो है बेटा कीटोन और एल अगर आपने कीटोन और एल में स्ट्रेचिंग करवानी है सी डबल बॉन्ड ओ में तो आप सिक्सटीन से सेवनटीन वेव नंबर की बेटा लाइट उसको एनर्जी देंगे और बेटा ये भी स्ट्रॉन्ग पीक आएगी बेटा डेटा बुकलेट इस साल नहीं होगी लेकिन ये स्निप करके आपके क्वेश्चन के साथ लगा देंगे ये डेटा, स्निप करके आपके क्वेश्चन के साथ लगाएंगे और इसी तरीके से बेटा एस्टर एस्टर में जो सी डबल बॉन्ड होगा उसकी स्ट्रेचिंग के लिए इतनी चाहिए इसी तरीके से जो सबसे फेमस फेमस है वो पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ओ एच बेटा बहुत फेमस है ओवे एक तो आप बेटा ये याद कर लें ये कार्बोनाइल वाली पीक जो है ना याद कर लें इसकी एक बड़ी रेंज याद कर लें कि जिस कंपाउंड में सी डबल बॉन्ड ओ होगा ना उस कंपाउंड में आपको इस रीजन के अंदर लाजमी एब्जॉर्बेंस मिलेगी 1640 से 1750 के दरमियान लाजमी एब्जॉर्बेंस आपको मिलेगी कैसे फॉर एग्जांपल मैं बेटा आपके सामने एक स्पेक्ट्रम बनाता हूं ये वेव नंबर है इधर ये 1600 है एटीन हंड्रेड है बाकी मैं नहीं बना रहा क्योंकि मैंने फिलहाल अभी आपको ये दिखाना है बस और ये ट्रांसमिटेंस है बेटा परसेंटेज ट्रांसमिटेंस। सपोज ये तीन ट्रफ आपको नजर आ रहे हैं। एक ट्रफ ये है

1600 से 1800 के दरमियान 1600 से 1800 के दरमियान आपको कोई पीक नजर आती है कोई ट्रफ नजर आता है तो समझ जाइएगा कि आपके कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप इज प्रेजेंट बस ये आपको बेटा याद याद क्या करना है कुछ भी नहीं करना सिर्फ यहां से डाटा रीड करना है इसी तरीके से बेटा ओ OH का याद रखिए आप ओ ये जो ओ है ना ये भी तीन तरह का है क्योंकि देखें बज दफा ओवेट जो है बेटा बाज दफा ओएच जो है वो लगा होगा कार्बोक्सिलिक का ओएच होगा और बाज दफा ओएच जो है वो बेटा वो अल्कोहल का ओएच होगा तो अब दोनों में डिफरेंस देखिएगा अच्छा बेटा दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अल्कोहल का एच होगा ना अल्कोहल का ओएच जरा आप अल्कोहल के ओएच को देखिएगा ये 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 अल्कोहल का है फ्री अल्कोहल का मतलब है ऐसा जो हाइड्रोजन ना बना रहा हो फिलहाल इसको अल्कोहल का ओ एच होगा इसको स्ट्रेच करवाने के लिए जो वेव नंबर चाहिए वो कितना थर्टी टू हंड्रेड से थर्टी सिक्स हंड्रेड के दरमियान एंड स्ट्रॉन्ग पीक और पीक क्या होगी स्ट्रॉन्ग होगी शार्प का मतलब होता है बेटा नीचे बिल्कुल पॉइंट बना होगा ऐसे करके शार्प नीम नीचे एज होगा एज शार्प इसको कहते हैं देखिए बिल्कुल एज होगा ऐसे करके राउंड नहीं होगी एक होती है राउंड पीक ना तो शार्प मीन नीचे से एज उसका बना होगा देखिए अब ये चीज बेटा नोट करें कि जो अल्कोहलिक ओएच है अल्कोहलिक ओएच अल्कोहलिक ओएच मैं इसको कह रहा हूँ कार्बोक्सिलिक वाली को नहीं कह रहा अल्कोहलिक ओएच की पीक आपको बेटा कहाँ नजर आएगी थर्टी से थर्टी के दरमियान ठीक है लेकिन जो बेटा कार्बोक्सिलिक अच्छा अल्कोहलिक होगी बिल्कुल ये बेटा अल्कोहलिक ओएच है अभी समझ लें कि ये थर्टी थ्री हंड्रेड है और ये जो पीक आएगी ये ओएच की वजह से आएगी अल्कोहलिक लेकिन बेटा देखिएगा अभी के कार्बोक्सिलिक की कैसी आएगी ऐसा ओएच ऐसा ओएच जो कार्बोक्सिलिक के साथ लगा हुआ है सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच उसकी पीक एक तो ट्वेंटी फाइव हंड्रेड से थ्री थाउजेंड के दरमियान आएगी स्ट्रॉ पीक एंड वेरी ब्रॉड अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं क्या मतलब है बेटा ऊपर ट्रांसमिटेंस है नीचे वेव नंबर है ये ट्वेंटी फाइव हंड्रेड है ये थ्री थाउजेंड है जो कार्बॉक्स लिख के आएगी ना वह ऐसी आएगी बेटा देखें ये ब्रॉड है बेटा ये उसकी ब्रॉडनेस ज्यादा बीच में बेटा विड्थ ज्यादा होगी ये वेरी ब्रॉड वेरी ब्रॉड पीक जो कार्बोक्सिलिक का ओएच होगा उसकी पीक वेरी ब्रॉड होगी लेकिन जो अल्कोहल का होगा बेटा जरा अल्कोहल का देखिएगा ऊपर आपको डिफरेंस नजर आएगा कि अल्कोहल वाले में और इस वाले में कितना डिफरेंस है मैं आपको चलें इसका डिफरेंस एक और उस पे बताता हूँ

1000 से आगे जितनी भी पीक्स आ रही हैं उसमें से हर पीक को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते स्पेसिफिक पीक्स होंगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा लेकिन जो मेन चीज अभी देखने वाली है आप 3000 पे बेटा जरा चेक करें 3000 पर क्या आपको 3000 पर OH बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड रेड कलर से लिखा हुआ नजर आ रहा है इसमें लिखा हुआ वेरी ब्रॉड तो ये जो OH होगा क्या ये अल्कोहोलिक OH होगा या कार्बोक्सिलिक OH होगा बताइए ये जो है ये है, दो है उसकी. क्यों, नहीं है और क्यों है उसकी दो रीजन है और क्यों है दो बेटा एक जो के अंदर होता है ना उसकी पीक आपको ब्रॉड तो नजर आ रहा है और दूसरी रीजन कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ओवेच होता है उसकी पीक आपको थ्री थाउजेंड और ट्वेंटी फाइव हंड्रेड और थ्री थाउजेंड के दरमियान मिलती है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली लेकिन जो अल्कोहल की पीक होती है बेटा अल्कोहल की जरा चेक कीजिएगा मैं भी अल्कोहल की पीक आपको दिखाता हूँ ये देखें बेटा ये अल्कोहल की पीक है जो नीचे वाली डायग्राम है जरा डिफरेंस देखें अल्कोहल की पीक में जो अल्कोहल की पीक है वो इतनी ब्रॉड नहीं है एक तो और दूसरा जो ओवेच की पीक आ रही है अल्कोहलिक ओवेच की वो थर्टी से आगे जाकर आ रही है थर्टी और थर्टी के दरमियान और जरा फिर देखें कार्बोक्सिलिक एसिड का जो ओवेच है उसकी पीक आपको बेटा कहाँ दिख रही है कार्बोक्सिलिक एसिड की जो पीक है वो आपको 3200 से पहले दिख रही है 25, 100 से है, 25, 100 से से तकरीबन स्टार्ट स्टार्ट है है 2500 हो चुकी है और 3000 3000 पर जाकर या 3000 से थोड़ा आगे जाकर खत्म हो रही है दूसरा डिफरेंस बेटा देखें एथेनोइक एसिड में क्या सी डबल बॉन्ड ओ होता है या नहीं होता एथेनोइक एसिड में बिल्कुल है तो आपको एथेनोइक एसिड में एक और पीक भी नजर आ रही है एट सी डबल बॉन्ड ओ कहां पर 1700 पर उसे जबकि अल्कोहल में बेटा देखें अल्कोहल में आपको इस तरह की कोई पीक नहीं नजर आएगी 1700 पर आपको कोई स्ट्रॉन्ग पीक नजर नहीं आ रही ठीक है तो बेटा ये चीजें हैं जो आपने सिर्फ एक्सप्लेन करनी है अब हम कुछ पास पेपर के क्वेश्चन की तरफ आता हूँ बेटा मैं ठीक है इसमें बेटा आपको एक और चीज मैं एक्सप्लेन कर दूं पहले असल में इस डाटा को अगर आपको रीड करना आएगा तो क्वेश्चन सारे इसी से होंगे बस थेरी यही है बेटा इसमें थेरी और नहीं है सिर्फ स्ट्रेचिंग का आपने इसमें बताना होता है अब जरा देखें एक और चीज नहीं बेटा अल्कोहल की ब्रॉड पीक नहीं है देखें क्या लिखा हुआ है जोहा उसने अल्कोहल के लिए देखें डेटा बुकलेट में लिखा होगा आपको याद कुछ नहीं करना क्या ब्रॉड लिखा हुआ उसने बिल्कुल नहीं लिखा हुआ तो आपने या, आ, बस देखना है कि ब्रॉड नहीं है ब्रॉडपीक सिर्फ कार्बोक्सिलिक के लिए आ रही है सिर्फ कार्बोक्सिलिक के लिए उसने लिखा है कि पी अच्छा एक और चीज देखें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं ये देखिए बेटा इधर कार्बन हाइड्रोजन एल्केन मैं आपको समझाता हूँ मैं क्या अभी बता रहा हूँ बेटा तो कार्बन हाइड्रोजन है ना इसको भी स्ट्रेच करने के लिए बात है कुछ एनर्जी चाहिए होगी ना कार्बन हाइड्रोजन लेकिन ये जो कार्बन हाइड्रोजन है ये में है, ये में में या है है के अंदर है। आपको देखें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना तो ये अल्केन है कार्बन हाइड्रोजन अल्केन अब आपको समझ आ रहा होगा उसने ये जो लिखा मैंने इसको ऐसे भी लिख सकता है वो सी एच अलकेन के अगर सी एच बॉन्ड अल्केन में होगा अगर सी एच बॉन्ड कहां पर होगा अल्केन में तो उसको स्ट्रेच करने के लिए इस वेव नंबर की रेडिएशन चाहिए और स्ट्रॉन्ग पीक आएगी स्ट्रॉन्ग पीक दूसरा देखें बेटा अगर ये अल्कीन में होगा अगर ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये आपका अल्कीन में होता है ऐसे अल्कीन है ना आपका तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अगर अल्कीन में है और आप उसको स्ट्रेच करना चाहते हैं

कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड है ठीक है ये देखें यू के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है सी डबल बॉन्ड ओ है अच्छा इसको ना बेस्ट तरीका पता है क्या होता है बेस्ट तरीका कि आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएं फिर ना आपको हर बॉन्ड की पता हर बॉन्ड के बारे में पता चलेगा कि कौन-कौन सा बॉन्ड है क्योंकि आईआर तो हर इंडिविजुअल बॉन्ड के साथ डील कर रहा है ना CH2 देन C H बी आर और इस लंबी चेन को ऐसी रहने देते हैं, तो देखें, इसमें कौन कौन से है? आ रहे। आ रहे। और अक्सर बच्चे इस को इग्नोर करते हैं कौन से बॉन्ड को ये जो कार्बोनाइड कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है ये बॉन्ड भी तो है ना बेटा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ये बॉन्ड भी है क्या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नजर आ रहा है बिल्कुल नजर आ रहा है ये भी है कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है बिल्कुल क्या कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड भी है तो आप पहले हर बॉन्ड्स को हर बॉन्ड्स को हर बॉन्ड को बेटा आप देखेंगे कि कौन कौन से बॉन्ड इसमें बने हुए हैं और अगर आप टीक आइम एक मिनट बेटा वो मैं आपको वीक, वीक का बता दूंगा जब कोई एग्जाम्पल सामने आएगी वो आपको बता दूंगा वो बड़े सिंपल सी बात है कोई मुश्किल नहीं है टी को जरा बेटा देखें टी टी के अंदर क्या हो रहा है टी के अंदर आपके पास अगेन सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच है डबल बॉन्ड है बी आर है, है और सी सिक्स एच थर्टीन है अब मुझे ये बता दें सिर्फ दोनों में फर्क क्या है बेटा बस दोनों में फर्क बताएं। दोनों में किस बॉन्ड का फर्क आ रहा है क्या अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर आप इन दोनों मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रम देखें इंफ्रा स्पेक्ट्रम दोनों मॉलिक्यूल का अगर आप स्पेक्ट्रम देखें क्या दोनों के पास कार्बोनाइल की पीक वेरी ब्रॉड पीक सॉरी कार्बोनाइल की पीक एट 1700 नजर आएगी या नहीं आएगी दोनों के पास पीक होगी ड्यू टू कार्बोनाइल क्या दोनों के पास इस ओएच की ब्रॉड पीक आएगी दोनों दोनों मॉलिक्यूल के पास ओएच है ना कार्बोक्सिलिक ओएच तो दोनों के पास वेरी ब्रॉड पीक आएगी क्या अब डिफरेंस पर आते हैं डिफरेंस क्या है डिफरेंस बेटा आप जरा गौर से देखिएगा क्या यहां पर जो हाइड्रोजन है वो अल्केन के साथ अटैच है या नहीं मैं यू के मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं मॉलिक्यूल यू में मॉलिक्यूल यू में बेटा जो आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है मॉलिक्यूल यू में जो आपको हाइड्रोजन नजर आ रहा है हाइड्रोजन वो अल्केन के साथ अटैच है ना मतलब कार्बन आगे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं ना तो ऐसे हाइड्रोजन को आप कहते हैं कि ये हाइड्रोजन एल्केन के साथ कनेक्टेड है लेकिन मॉलिक्यूल टी में देखें क्या ये जो हाइड्रोजन है ये अल्केन के साथ अटैच है या अल्कीन के साथ अटैच है अल्कीन के साथ अटैच है तो बताएं क्या इन दोनों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेचिंग सेम रीजन में मिलेगी या डिफरेंट रीजन में डाटा बुकलेट में देखते हैं ये बड़ा डाटा बुकलेट देखें जरा आपको डाटा बुकलेट ये बता रहा है कि अगर हाइड्रोजन अल्केन वाला है तो इस रीजन में आएगी और स्ट्रॉन्ग पीक आएगी और अगर हाइड्रोजन अल्किन वाला है तो इस रीजन में आएगी और वीक पीक आएगी ये दोनों में डिफरेंस नजर आ रहा है ना अब बेटा देखें हम क्वेश्चन करते हैं जी अब ये टी और यू ना आप अगर काइंडली बेटा ये टी और यू अपने सामने बना लें अगर तमाम बच्चे इसको ड्रा कर लें एक मिनट के लिए अपनी नोटबुक के ऊपर क्योंकि मैं इसको भी पेज को जब ऊपर करूंगा तो वो आपके सामने स्ट्रक्चर नहीं होगा बेटा मैं भी इसकी पिक्चर ले लेता हूँ आप या पिक्चर ले लें या बेटा इसको अपने सामने ड्रा करें कर लिया आपने ड्रॉ कर लें जल्दी से शाबाश जल्दी से ड्रॉ करें यू के स्ट्रक्चर को भी और टी के स्ट्रक्चर को भी अच्छा ड्रॉ करने के बाद बेटा आप कर लिया होगा आप लोगों ने अब देखें अब इसका क्वेश्चन मैं आपको पहले बताता हूं क्या कह रहे हैं बेटा वो ये कह रहा है कि दोनों में कार्बन बोरोमीन बॉन्ड है तो इसलिए एक एब्जॉर्ब उसको यहां मिलेगी आपको मैंने बताया 1000 से पहले वाली हमारे में नहीं है, इसलिए वो आपको खुद बता रहे हैं। उसको कहते हैं फिंगर प्रिंट रीजन उसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होता है आगे देखें फॉर बोथ टी एंड यू हैव एबजॉर्न बिटवीन ट्वेंटी दिस क्रॉस टू सी एच बॉन्ड बेटा जरा चेक करते है, 28, 29, हैं डाटा बुकलेट में ट्वेंटी एट फिफ्टी एंड ट्वेंटी हाँ जी बेटा ये देखें वो कह रहे है जो दोनों का टी और यू का इसमें एक एब्जॉर्बन आ रही है जो कि ट्वेंटी एट फिफ्टी और ट्वेंटी और ट्वेंटी के दरमियान है तो वो किसकी आ रही होगी बताएं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की ना तो वो टी वाले की आ रही होगी या यू वाले की आ रही होगी

एब्जॉर्बन वन क्या बेटा दोनों के अंदर मैं अगर यह लिखूं के बोथ शो एन एब्जॉर्ब एट क्योंकि बेटा यह आपका कार्बॉक्सलिक है ना तो कार्बॉक्सलिक में जो सी डबल बॉन्ड ओ है वो आप याद रखिएगा 1682-1730 अब देखें यहां पर ने कहीं बताया हुआ सी डबल बॉन्ड ओ का नहीं बताया हुआ तो आप ये सारी रेंज बस ले सारी रेंज आप ले लें जो आपको बता रहा है सिक्सटीन 1730 टू पर सेंटीमीटर बिकॉज ऑफ सी डबल बॉन्ड ओ क्या बेटा ये बात ठीक है या नहीं के दोनों के अंदर आपने बहुत बड़ी रेंज बेटा जिसको लिख कर दे दिए क्या दोनों के अंदर दोनों स्ट्रक्चर में सी डबल बॉन्ड ओ है या नहीं है बिल्कुल है तो दोनों के अंदर आपको एक पीक नजर आएगी 1640 से 1730 के दरमियान अच्छा दूसरी सिमिलरिटी बतानी है आपने आपने बतानी है वो बताएं जो दोनों में हो बोथ स्पेक्ट्रा दोनों में होनी चाहिए बेटा और कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जो दोनों में सेम है ओ एच आप देखें बेटा ओ एच जो है एच जो है ये ओएच ये, ये दोनों में सेम आ रहा है और दोनों के अंदर कार्बोक्सिलिक वाला है तो अब आप यहां देखें कार्बोक्सिलिक 25 से 30 एंड एंड ब्रॉड पीक यहां से देख के लिखेंगे तो आपने यहां लिखना है अब सेकंड जो आ रही है एन एब्जॉर्प्शन बोथ शो एन एब्सॉर्पन बेटा वो तो उसने खुद बता दिया ना सात कार्बन ब्रोमिन का तो उसने ऊपर खुद बता दिया वो आपसे क्यों पूछेगा और कार्बन ब्रोमिन का डाटा बुकलेट में गिवन भी नहीं है ठीक है डाटा बुकलेट में गिवन नहीं है बोथ शो एन एट से लेकर थ्री थाउजेंड पर सेंटीमीटर यूनिट लाजमी लिखिएगा और ये किस वजह से सातवें फंक्शन ग्रुप बताएं बिकॉज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सी डब्ल्यू एच बिकॉज ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड

ये सारे जाएगा फिर ये देखें ये देखें ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इधर ये और इस तरह देखिए तो दोनों में कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड भी है ना तो आप ये भी बता सकते तो आप बताएंगे कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड की वन जीरो से वन थ्री डबल जीरो स्ट्रॉन्ग पीक एक लेकिन दो हमारी हो गई है अब बेटा वो कह रहे हैं कि ओनली प्रेजेंट इन स्पेक्ट्रम ऑफ टी अब आपने इस डिफरेंस बताना है कि डिफरेंस दोनों में क्या आ रहा है बेटा दोनों में किस अब आप जरा फिर स्ट्रक्चर को देखें देखें आप यहां पर एक चीज नोट करें जो आपका स्ट्रक्चर यू है ना उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सारे जो स्ट्रक्चर टी है उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है है ना तो एक तो ये देखते हैं कि क्या कार्बन कार्बन सिंगल और डबल बॉन्ड का कोई डिफरेंस हमारे पास है डाटा बुकलेट में ये देखें जी इधर हाँ बेटा ये देखें जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एरोमेटिक कंपाउंड बेटा आप ए में पढ़ेंगे ये वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होता है तो आप एरोमेटिक को इग्नोर करें एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन रिंग होते हैं इस तरह के जिसमें बेंजीन रिंग बन रहा होता है लेकिन सी डबल बॉन्ड सी एल्कीन तो बेटा इसकी पीक किधर आएगी 1500 से 1680 वीक पीक है अभी आप आगे वाले वर्ड को इग्नोर कर दें ये आपके उसमें नहीं है वीक पीक आएगी 1500 से 1680. तो बेटा मुझे ये बताएं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक क्या आपको यू शो करके देगा या नहीं देगा ये बताएं जी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की पीक क्या यू शो करेगा नहीं करेगा तो आप यहां लिख हैं पहले यहां लिख दें कि नो पीक ड्यू टू ड्यू टू दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस रीजन में आ रही है बेटा एट 1500 टू 1680 नो पीक ड्यू टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एट 1500 टू 1680 लेकिन यहां पर क्या होगा बेटा आपको एक पीक नजर आएगी वीक पीक आप लिखेंगे वीक पीक एट 1500 टू 1680 ड्यू टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो बेटा ये देखें ये एक डिफरेंस हो जाएगा यहाँ पर ठीक है कि एब्जॉर्बन ओनली प्रेजेंट इन स्पेक्ट्रम ऑफ टी के टी में कौन सा स्पेक्ट्रम है तो आप बताएंगे यहाँ दो बता सकते हैं आप हाइड्रोजन का भी बता सकते हैं कि जो हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ है वो भी मैं लिख देता हूँ तो पहला आप ये बताएंगे बेटा के टी शोज टी शोज एन एब्जॉर्बन एट 1500 to 1680 पर सेंटीमीटर ड्यू टू दी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और बेटा दूसरा देखें टी के आ, टी के अंदर ये जो हाइड्रोजन है ये डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ है ना यू में तो नहीं है यू में तो आपको ये नहीं नजर आ रहा तो इसका भी जरा डिफरेंस देखें कि अगर हाइड्रोजन अगर बेटा हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ होगा तो कुछ और पीक आएगी सिंगल के साथ होगा कुछ और होग. तो टी में डबल बॉन्ड हाइड्रोजन डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ है तो एक वीक पीक आएगी एट तो आप ये लिख सकते हैं कि के, के अंदर थ्री से हाइड्रोजन इज अटैच विद है बेटा आज की क्लास में इतना कर और क्वेश्चन भी कर ले एक और क्वेश्चन भी चले कर लेते हैं

इधर आ रही होती है ये ओ OH ग्रुप की वजह से और ये ओ OH अल्कोहल के अंदर होता है ठीक है इसी तरह आगे चलते हैं बेटा ये देखें ये पीक बहुत फेमस है सी डबल बॉन्ड ओ की वजह से आ रही है सी डबल बॉन्ड ओ इसी तरीके से बेटा आप आगे चले ये पीक देखें ये सी डबल बॉन्ड ओ की वजह से आ रही है बेटा इसी तरीके से आप और ऊपर चले तो बेटा ये देखें ये पीक आपकी अल्कोहल के ओएच की वजह से आ रही है और इसमें आप कहेंगे नो सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनाइल नहीं है भाई इसमें ठीक है इसी तरीके से बेटा आप देखें अच्छा ये देखिए मेरी बात सुने बेटा जो पीक फिफ्टी परसेंट या इससे ऊपर होगी ना या इसके बिल्कुल आसपास होगी इसको भी आप वीक पीक कंसिडर करेंगे मेरी बात सुने ये भी वीक पीक में आएगी जो परसेंट के आसपास आ रही है लेकिन जो 50 से काफी नीचे आ जाती है, 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 है? है, 70, अब ये 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 नहीं है। मैं आपको बताता हूं। This is not weak peak. आप यहां है ना, बेटा ठीक है? ये वीक पीक है। लेकिन जो 70 से नीचे आ जाती है ना 70 से उसको आपने strong consider करना ये strong है ये तो वीक पीक कौन सी होगी जो 50 या 50 से थोड़ा सा नीचे आप 60 तक ले जाएं बस सेवेंटी से नीचे जो पीक आ रही है सेवनटी से नीचे उसको आपने पीक करना होता है तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि अगर 60 और 70 के आ गई तो क्या होगा इस तरह की नहीं आती भाई या तो वो देता है या वीक देता है ठीक है आपको वो इस चीज में कंफ्यूज नहीं करेगा आपको जो पूछेगा वो आपको पीक रीड करनी आनी चाहिए कि ये किस तरह से आ रही है ठीक है वो वो बड़ा क्लियर आपको मार्जिन देगा बेटा आपको बड़ा क्लियर पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है बेटा आज की क्लास में फिर इतना ही काफी है इनशाला कल की क्लास में मैं इनशाला बेटा यही पास पेपर आगे कंटिन्यू करूंगा जी अल्लाह हाफिज